खैर सुल्तानपुर बल्दीराय का नंबर वन सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर, एडमिशन कराएं 50% डिस्काउंट पाएं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में बुधवार तड़के ही दो लड़कों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि हर तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल बल्दीराय थाना इलाके के गोरा बारा मऊ गाँव में दो लड़कों ने शौच के लिए खेत में जाते एक शख्स के सीने में तड़ातड़ गोलियां उतारी और फरार हो गए। कुछ मामले से झगड़ा लड़ाई तो कुछ नहीं रहा। तब ये कैसे गोली लग गई? पता नहीं, लैट्रिन गए थे वहीं पे मारे और झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं था। कौन मारा है? विक्रम दुबे, सतीश दुबे। गोली लगने के बाद जहां युवक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, गोलियों की गूंज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को इलाज के लिए बल्दीराय सामुदायिक केंद्र ले गए, जहां घायल का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वारदात की सूचना के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। 3 से 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये थाना बल्दीराय क्षेत्र है, जहाँ पे आज सुबह महेंद्र दुबे नामक व्यक्ति को गोली लगी, छर्रे एक्चुअली। फिलहाल उसके बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है, लखनऊ के लिए रेफर हो गया है। और जो हमें एप्लीकेशन मिली है, उनका कहना है, दो लड़के हैं उसमें एक लड़का है जिनका नाम विक्रम है, बोले कि 16 साल के लगभग इनकी उम्र है। ये और इसके एक साथी ने मिलकर इनके ऊपर गोली चलाया, जो एक्चुअली छर्रा था उनको लगी है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर ली है, बाकी विधिक कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 टीमें बन चुकी है, जो नामजद अभियुक्त हैं उनको तलाश में लगी हुई है और जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। घायल का लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। दरअसल क्षेत्रीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले विक्रम दुबे की मां पर महेंद्र दुबे डोरे डालता था। जिसकी भनक विक्रम को लगी तो वह महेंद्र से नफरत करने लगा। बुधवार को उसने अपने साथी सतीश के साथ शौच से जाते वक्त महेंद्र दुबे को गोली मार दी। महेंद्र दुबे की भाभी प्रीति की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।